नमस्कार आप सभी प्रिय विद्यार्थियों को नमस्कार जय हिंद भारत माता की जय आप सभी विद्यार्थी आज मेरे साथ जुड़ेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के नवीन सिलेबस नवीन पाठ्यक्रम न्यू सिलेबस के साथ में यूनिट नंबर दस जहां पर पहले पूछे जाते थे भारतीय या कह सकता हूं राष्ट्रीय और राज्य के संवैधानिक व गैर संवैधानिक आयोग अब पूछा जा रहा है मध्य प्रदेश की जनजातिया उनका विस्तार उनकी विरासत और उनकी लोक संस्कृति इस यूनिट नंबर दस का तीसरे नंबर का लेक्चर टॉपिक उसके अंतर्गत एक बिंदु आ रहा है जनजातीय व्यक्तित्व एमपी की ट्राइब्स में जो भी पर्सनालिटीज रही है उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं पहले दो लेक्चर्स में आपको कई सारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में पढ़ाया ये स्लाइड में इतनी जल्दी इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये सब पढ़ा चुका हूँ मैं वहां से शुरुआत करता हूँ जहां से मुझे आज पढ़ाना है इस कारण से सभी विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े कल मैंने दुर्गाबाई व्याम के बारे में पढ़ाया था और अब मुझे जिनके बारे में पढ़ाना है वो आपको यहां से आज आज शुरू करता हूं तो आज का पहला व्यक्तित्व या पहला पहली ऐसी स्लाइड जिसे मुझे समझाना है कि इनके बारे में कभी प्रश्न आए तो आदिवासियों के नेताओं के बारे में कभी प्रश्न आए तो याद रखिएगा जी हाँ आज की पहली नेता या आज के पहले व्यक्तित्व पर्सनालिटी में आती है जमुना देवी ये मध्य प्रदेश के सरदारपुर तहसील जिला धार में जन्मी 1929 में फर्क नहीं पड़ता है कि इनका जन्म कब शिक्षा अगर कहा जाए कैनेडियन स्कूल इंदौर से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है और मृत्यु इनकी चौबीस दिसंबर चौबीस सितंबर दो में इंदौर में हुई थी फिर से मैं कहना चाहूंगा आपके सामने नाम है जमुना देवी जमुना देवी जी का जन्म याद रखो धार में और जमुना देवी जी की मृत्यु याद रखो इंदौर में और जमुना देवी जी की शिक्षा याद रखो इंदौर में तो नाम याद रखो जमुना देवी जन्म धार सरदारपुर तहसील में और मृत्यु इनकी इंदौर में 2010 में अच्छा जमुना देवी को हम पढ़ रहे हैं तो क्या कुछ खास है बिल्कुल कुछ खास ही होगा इधर देखिएगा जमुना देवी जी की अगर मैं बात करूं तो राजनीतिक उपलब्धियां जमुना देवी जी को भुआ जी के नाम से बुलाया जाता था या जी के नाम से प्रसिद्ध थी जैसे आपके शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मामा 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 के के नाम 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 से 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 फेमस फेमस थे थे किस अब चूंकि वो मुख्यमंत्री नहीं है तो ज्यादा मामा, मामा चर्चा में नहीं आता है <coughs> तो जमुना देवी जी को भुआ जी के नाम से बुलाया जाता था स्वतंत्रता के पश्चात वह पहली विधानसभा 1952 से 1957 तक सदस्य रही याद रखिएगा ये विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो ये मध्य प्रदेश गठन से पूर्व की बात चल रही है लेकिन याद रखिएगा यहां पर तत्पश्चात मध्य प्रदेश के झाबुआ क्षेत्र से वो छह बार चुनाव जीतकर विधायक भी रही है जमुना देवी तो मेरा सीधा सा सवाल था नाम है जमुना देवी जमुना देवी जी का जन्म अगर पूछे तो धार बताना सरदारपुर तहसील अगर मृत्यु पूछे तो इंदौर बताना और अगर उनका क्षेत्र पूछे कि वो किस क्षेत्र में नाम कमाया है या उनका कार्य क्षेत्र क्या था तो राजनीति जमुना देवी कांग्रेस से थी राजनीति में थी 1962 में पहली बार झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी 1962 में पहली बार झाबुआ लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीती थी आपको यह याद रखना है तो तीन चार चीजें महत्वपूर्ण है नाम है जमुना देवी जनजाति भील जन्म सरदारपुर तहसील जिला धार मृत्यु इंदौर में है और भुआ जी के नाम से जानी जाती थी कुछ उपलब्धियां इनके नाम पर राजनीति में और भी है वो राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में देखिएगा 1978 से लेकर 1981 तक कब से कब तक 1978 1978 से लेकर 1981 1981 तक राज्यसभा की सदस्य भी रही है जमुना देवी की बात करूं तो वह 1978 से लेकर 1981 तक वह राज्यसभा की सदस्य भी रही है और 1998 ईस्वी में मध्य प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री और 2003 में पहली महिला नेता प्रतिपक्ष बनी मतलब प्रश्न सुनो मध्य प्रदेश की पहली महिला नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश की पहला पहली वुमेन क्या बनी नेता प्रतिपक्ष मतलब अपोजिशन लीडर जमुना देवी एमपी की पहली महिला मुख्यमंत्री पूछे तो उमा भारती लेकिन अगर उपमुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पूछे तो कौन होगी जमुना देवी एमपी की पहली महिला उपमुख्यमंत्री जमुना देवी एमपी की पहली महिला विपक्ष की नेता जमुना देवी भुआजी के नाम से प्रसिद्ध जमुना देवी जमुना देवी का कार्यक्षेत्र राजनीति जमुना देवी का जन्म धार जिले के सरदारपुर तहसील में जमुना देवी की मृत्यु इंदौर में हुई थी ठीक है ना आगे देखिएगा 2001 में इन्हें भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया पुरस्कार का नाम क्या है भारत ज्योति सम्मान अवार्ड का 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 नाम 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 क्या है 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 भारत भारत पुरुषकार। पुरुषकार भारत ज्योति 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 सम्मान पुरस्कार 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 जमुना देवी को दिया गया 2001 में दिया गया भील जनजाति से आती है धार में जन्म हुआ इंदौर में मृत्यु हुई भुआ जी के नाम से फेमस कांग्रेस की राजनेता रही प्रदेश की पहली महिला उप मुख्यमंत्री प्रदेश की पहली महिला विपक्ष की नेता नाम है जमुना देवी उन्होंने मध्य प्रदेश शासन में राज्य मंत्री का दर्जा संभाला कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया वह आदिम जाति जाति अनुसूचित अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्रालय और पिछड़ा वर्ग जैसे विभागों का दायित्व संभाला मतलब मैं सीधी सी बात कहूं कि जमुना देवी के संबंध में आप मुझे कुछ चीज गिनाओ तो मैं यहां वापस आता हूं जब जमुना देवी का नाम नहीं वहां आपसे चर्चा करता हूं नाम जमुना देवी जन्मधार जिले के सरदारपुर तहसील में मृत्यु जमुना देवी के इंदौर में सितंबर 2010 में बुआ जी के नाम से प्रसिद्ध कांग्रेस की नेता भील जनजाति से संबंध रखती है और जमुना देवी जी का निधन हो चुका है 2010 में जमुना देवी जी झाबुआ लोकसभा से सांसद रही जमुना देवी जी विधायक रही जमुना देवी प्रदेश की पहली महिला अपोजिशन लीडर नेता प्रतिपक्ष रही जमुना देवी प्रदेश की पहली महिला डिप्टी सीएम अर्थात पहली महिला उपमुख्यमंत्री रही देवी को 2001 में भारत ज्योति सम्मान से सम्मानित किया गया ये सारी चीजें आप लोगों को तक तक पूरी याद होनी चाहिए जो जो अभी तक हमने इनके बारे में पढ़ा है आगे देखेंगे भज्जू सिंह श्याम देखिए राजा भैया एक व्यक्ति है जिनका नाम है भज्जू सिंह श्याम भज्जू सिंह श्याम का जन्म पाटनगढ़ जिला डिंडोरी कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में आया हो तो ऐसा ही एक और नाम हमने पढ़ा था जनगण सिंह श्याम जी हां मध्य प्रदेश के एक और चित्रकार कलाकार जिनका नाम है जनगण सिंह श्याम वो भी पाटनगढ़ पाटनगढ़ी में ही जन्म है वो भी श्याम थे ये भी श्याम है इसलिए वो भी गोंड से, ये भी गोंड गोंड जनजाति जनजाति से से ये मैंने कल एक हिंट दी थी और अभी मैं बोल रहा हूं हो सकता है आपके दिमाग में बात फंस जाए कि जहां भी श्याम श्याम लिखा रहेगा वो गोंड जनजाति है यदि किसी आदिवासी व्यक्ति के आगे श्याम लिखा रहे तो वो गोंड जनजाति है और व्यायाम भी लिखा रहे तो वह गोंड जनजाति है तक समझ में आया लेकिन किसी जनजाति के व्यक्ति के नाम के आगे यदि मंडलोई लिखा रहे यदि उनके नाम के आगे सोलंकी लिखा रहे यदि उनके नाम के आगे सिसोदिया लिखा रहे उनके नाम के आगे बुंदेला लिखा रहे उनके नाम के आगे अलावा या अलावे लिखा रहे उनके नाम के आगे भूरिया शब्द लिखा रहे तो समझ जाएगा भील जनजाति से यदि किसी जनजाति के नाम के आगे परते लिखा रहे करपे लिखा रहे ठीक है ना मरकाम लिखा रहे तो ये गोंड जनजाति से संबंध रखते हैं ये चीजें अब भाई सीधी सी बात है आपको जानना है तो उनके तो अच्छी चीजों को जाननी पड़ेगा ना तो आदिवासी चित्रकला को अंतरराष्ट्रीय पहचान प्रदान की तो प्रश्न जहां से बन सकते हैं मतलब पूरे पेज को यदि मुझे एक 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 बिंदु में समेटना हो तो क्या कहूंगा पहले एक लाइन और देख लो 2018 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया कौन से पुरस्कार से पद्मश्री भज्जू सिंह श्याम की बात इस पेज पे क्या क्या लिखी वो देखो भज्जू सिंह श्याम का जन्म कहां पर हुआ तो पाटनगढ़ जिला डिंडोरी में हुआ ठीक है ना डिंडोरी में हुआ ये कौन सी जनजाति से संबंध रखते हैं तो गोंड जनजाति से संबंध रखते हैं इनकी कला किस क्षेत्र में है तो याद रखेगा ये चित्रकला के क्षेत्र में चित्रकार है अच्छा इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया तो 2018 में इन्हें पद्मश्री सम्मान दिया गया 2018 में इन्हें कौन सा सम्मान दिया गया पद्मश्री सम्मान दिया गया भज्जू सिंह श्याम गोंड जनजाति पाटनगढ़ डिंडोरी में जन्म हुआ चित्रकला से संबंध रखते हैं 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2018 में पद्मश्री से सम्मानित चित्रकार आदिवासी चित्रकार भज्जू सिंह श्याम 2021 में आदिवासी चित्रकार पद्मश्री से सम्मानित भूरीबाई दो में पद्मश्री से सम्मानित आदिवासी चित्रकार दुर्गा व्याम। 2023 में से सम्मानित आदिवासी चित्रकार बेगा आप देख रहे हो सब एक लाइन में लेकर चलोगे सब काम आएगा ठीक है आगे बढ़ जाओ यहां से सब देखते चलिएगा आगे देखिएगा भज्जू सिंह श्याम के बारे में भज्जू श्याम के कई चित्र किताब का स्वरूप ले चुके हैं मतलब जैसे एक मेहंदी की किताब नहीं आती है मेहंदी की किताब मेहंदी की किताब में कभी लिखा नहीं रहता है मेहंदी की किताब में कभी लिखा रहता है क्या कि एक हाथ में मेहंदी ऐसे हाथ बना दिए जाते हैं मुझसे तो ये भी बनाते नहीं आता है हाथ बना दिए जाते हैं और इसमें मेहंदी की डिजाइन रहती है तो क्या लिखा रहता है क्या कि फूल बनाने के लिए उंगलियों को चार बार गोल गोल घुमाएं बिल्कुल ऑस्कर नाम से जिनकी आईडी है आपको तो बिल्कुल समझना चाहिए कि अब हम न्यू वीडियो ही डालेंगे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी सिलेबस में आया है वो सारा डलेगा और आपको मैं बता दूं कि जैसे आप मुझसे भी यहाँ पढ़ रहे हैं अब मंडे से जो आपकी क्लास रहेगी वो आठ बजे से वापस आठ बजे के आपका क्लास का टाइम है वो रहेगा वापस आपको एम चालू होंगे ठीक है ना फिर हम प्रश्न उत्तर लगाएंगे लेकिन शर्मा के मोबाइल एप्लीकेशन पर लगातार जो हमने जंग छेड़ी एक लगातार जो पढ़ा रहे हैं हम सुबह आठ से नौ नौ से दस दस से ग्यारह ग्यारह से बारह ये लाइव है सत्याधि के एप्लीकेशन पर क्लासरूम से लाइव है एमपीपीएससी 2024 के न्यू सिलेबस का प्री बारह से एक एक से दो दो से तीन ये लाइव है बारह से तीन शर्मा की यूनिट नंबर दस है जब एमपीपीएससी यूनिट नंबर दस हम पढ़ के खत्म कर लेंगे तब हम कोई दूसरी यूनिट उठाएंगे एमपी जी के एमपी जी के ठीक है ना बाकी सारे वीडियोस आपको एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे आप जाकर देखिए पिछली दो कक्षा के दो वीडियो और दो

और यहां पर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ भज्जू श्याम नाम तो आपको एक किताब का नाम दिखाई दे रहा होगा द लंदन जंगल बुक हाँ सर दे रहा। अगर थोड़ा सा चूक हो जाए हमसे थोड़ी सी गलती हो जाए और अगर हम इसको सिर्फ इतना पढ़ ले द जंगल बुक अगर हम केवल इसको इतना पढ़ ले द जंगल बुक तो आपको पता होना चाहिए द जंगल बुक मोगली वाली किताब को रूड किपलिंग ने लिखा है तो द जंगल बुक के लेखक कौन किपलिंग द लंदन जंगल बुक के लेखक कौन तो याद रखिएगा फिर होगा भज्जू सिंह श्याम कौन होगा नाम भैया भज्जू सिंह श्याम यहां तक क्लियर हुआ आगे देखिएगा द लंदन जंगल बुक की तीस हजार कॉपी बिकी और यह पांच विदेशी भाषाओं में छप चुकी है इन किताबों को भारत और कई देशों जैसे नीदरलैंड जर्मनी इंग्लैंड इटली और ये कजाकिस्तान किर्गिस्तान और फ्रांस में प्रदर्शित किया जा चुका है आपको नहीं याद रखना है इतना मैं आपको और आसान कर देता हूं आपको क्या याद रखना है वो देखिएगा आपको याद रखना है भज्जू सिंह श्याम गोंड जनजाति के व्यक्ति हैं डिंडोरी पाटनगढ़ में जन्म हुआ है ये एक बहुत फेमस चित्रकार है भज्जू सिंह श्याम को 2018 में भारत सरकार पद्मश्री से नवाज चुकी है ये गोंड जनजाति के कलाकार है और भज्जू सिंह श्याम की किताब का नाम द लंदन जंगल बुक है जो पांच भाषाओं में प्रकाशित है बस खेल खत्म खेल खत्म बस इतना दिमाग में रखो ऐसे मोटिवेशनल शॉर्ट्स वाले भैया आपको ये बात क्यों समझ में नहीं आ रही है कि आपने वो जो दो क्लास देखी वो यही है अभी ये क्लास खत्म होगी तब एप्लीकेशन पर आएगी ठीक है ना याद रखिएगा आप आप वहां देखो तो सही आपको सारी क्लासेस मिल रही है आप शायद ठीक से देख नहीं पा रहे हैं आगे बढ़े भज्जू सिंह शाम के बाद में ये ये मैंने आपको जो बताया था वो ये है एक फरवरी से बैच स्टार्ट हुआ है सुन लो बहुत प्यार से अगर पीएससी पढ़ने का मन है तो ऑनलाइन बैच है उसका प्राइस ये लिखा हुआ है वही बैच ऑफलाइन है उसका प्राइस ये लिखा हुआ है लेकिन उसमें प्री प्लस मेन्स प्लस इंटरव्यू है एक साल की वैलिडिटी है और टारगेट टू है ठीक है ना ये एक फरवरी से स्टार्ट है मोबाइल एप्लीकेशन पर ऑनलाइन देख सकते हैं बाकी ऑफलाइन बेच चल रहा है आगे देखेंगे आप अगला नाम देखिएगा नरेश चंद्र सिंह अच्छा इन्हीं का नाम आपने ऐसा सुना होगा राजा नरेश चंद्र सिंह राजा नरेश चंद्र सिंह कौन थे भैया छत्तीसगढ़ के बासईगढ़ के राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य भारत में सारंग राज्य के शासक थे जिन्होंने 1 जनवरी 1948 को भारत में अपने राज्य को विलय कर दिया सुनो समझो और आराम से देखो आदिवासियों का योगदान आदिवासियों की विरासत को राजा नरेश चंद्र सिंह के नाम के आगे राजा क्यों लगाया जाता है जबकि एक ये आदिवासी नेता थे राजा इसलिए लगाया जाता है कि वर्तमान के छत्तीसगढ़ राज्य के बासईगढ़ के राजा थे राजा नरेश चंद्र सिंह और इन्होंने सारंग राज्य जो इनका था उसको एक जनवरी 1948 को भारत में विलय कर दिया जैसे कि मध्य भारत हो गया बिंद प्रदेश हो गया रियासतों का उन्नीस में उन्होंने पहला चुनाव जीता और मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा में पंडित रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बने ठीक है ना ये मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व की बात कर रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व की जो चुनाव हुए तो उसकी बात कर रहा हूं आगे चलोगे तो पता चलेगा कि यही राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं आप देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं इनका कार्यकाल ये कार्यवाहक नहीं थे मुख्य रूप से मुख्यमंत्री रहे हैं राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं ये तेरह मार्च से पच्चीस मार्च तक केवल तेरह दिन के नाइनटीन में मुख्यमंत्री रहे हैं आपको बता दूं मैं ये मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं राजा नरेश चंद्र सिंह दूसरी तीसरी एवं चौथी विधानसभा में भी सदस्य रहे हैं इसका मैं बहुत अच्छे से समझाता हूं सुनिएगा ध्यान से नाम है राजा नरेश चंद्र सिंह क्या नाम है राजा नरेश चंद्र सिंह राजा नाम इसलिए लिखा क्योंकि इनकी एक रियासत थी सारंगढ़ वो छत्तीसगढ़ की थी उसे भारत में विलय कर दिया उन्नीस में मध्य प्रदेश के गठन से पूर्व विधानसभा के जो चुनाव हुए उनमें इन्होंने जीत दर्ज की रविशंकर शुक्ल के मंत्रिमंडल में भी रहे फिर से सुनो ये मध्य प्रदेश बना जब उन्नीस तो पहली विधानसभा सत्तावन से बासठ दूसरी विधानसभा और बासठ से अगले 1967 तक ये मुख्यमंत्री वो सदस्य भी रहे आपको बता दू ये 1969 में 12 मार्च से लेकर सॉरी 13 मार्च से लेकर 25 मार्च तक 25 मार्च तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे ये प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे राजा नरेश चंद्र सिंह मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं तब से लेकर आज तक भी मध्य प्रदेश में कोई आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है इनसे पहले द्वारका प्रसाद मिश्र कैलाशनाथ काड़जू भगवंतराव मंडलोई रविशंकर शुक्ल ये लोग मुख्यमंत्री थे और इनके तुरंत बाद में जो मुख्यमंत्री बनाए गए वो मुख्यमंत्री कौन थे तो वो भी गोविंद नारायण सिंह थे फिर बाद में हम देखेंगे आगे बढ़ती गोविंद नारायण सिंह के बाद में ये बने तो गोविंद नारायण सिंह भी थे इनके बाद में श्यामाचरण शुक्ल भी रहे पीसी सेठी भी मुख्यमंत्री रहे फिर कैलाश जोशी भी रहे वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे सुंदरलाल पटवा रहे अर्जुन सिंह रहे मोतीलाल बोरा रहे फिर दिग्विजय सिंह रहे उमा भारती रही बाबूलाल गौर रहे शिवराज सिंह चौहान रहे कमलनाथ रहे और अब जाकर मोहन यादव है तो तब से लेकर अब तक आदिवासी मुख्यमंत्री नहीं बना है तो आदिवासी मुख्यमंत्री कौन पहले राजा नरेश चंद्र सिंह कितने दिन का कार्यकाल तेरह दिन का यदि अर्जुन सिंह के एक दिन के कार्यकाल को हटा दें, तो प्रदेश का सबसे कम कार्यकाल का मुख्यमंत्री तो. बहुत बढ़िया तो याद रखिएगा राजा नरेश चंद्र सिंह ये हो गए एक आदिवासी नेता आगे बढ़े इंदिरा जी के साथ में फोटो लगी है क्योंकि इंदिरा जी के कार्यकाल में थे नाम है दिलीप सिंह भूरिया मैंने पहले ही कहा था दिलीप सिंह भूरिया भूरिया शब्द हो ये कोई भी हो दिलीप सिंह भूरिया आपको बता दूं कि दिलीप सिंह भूरिया का संबंध किस जनजाति से है तो भील जनजाति से है कौन सी जनजाति से भील 18 जून 1944 को इनका जन्म झाबुआ मध्य प्रदेश में हुआ और 2015 में इनका निधन हुआ दिलीप सिंह भूरिया एक राष्ट्रीय स्तर के आदिवासी नेता थे तो सीधी सी बात है दो पॉइंट याद रखेगा नाम क्या होगा दिलीप सिंह भूरिया जन्म कहां पर होगा झाबुआ अब जब भी आपको लगे दिलीप सिंह भूरिया ऐसे नाम आए तो आप भील प्रदेश की ओर रुख करें और झाबुआ में जन्म हुआ अच्छा राजनेता थे इसका मतलब इनका कार्यक्षेत्र किस क्षेत्र से संबंधित है राजनीति से तो क्लियर हो गया नाम दिलीप सिंह भूरिया जन्म झाबुआ में और कार्य क्षेत्र राजनेता ठीक है बस इससे ज्यादा थोड़ी ना पढ़ना है नाम दिलीप सिंह भूरिया जनजाति भील जन्म झाबुआ काम बताओ राजनेता आगे बढ़े ठीक है आगे बढ़िएगा इनके राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिएगा दिलीप सिंह भूरिया दिलीप सिंह भूरिया अपने राजनीतिक जीवन में छह बार सांसद बने ये 1980 से लेक में पहली बार सांसद बने टोटल कितनी बार सांसद बने छह बार ये अटल सरकार में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष रहे तो भूरिया आयोग के भी अध्यक्ष रहे अब भूरिया आयोग का नाम भूरिया आयोग क्यों रखा क्योंकि जो व्यक्ति अध्यक्ष रहता है मोस्टली नाम आयोग के उसी के नाम पर रख दिए जाते हैं जैसे फजल अली आयोग राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल फजल अली अली थे तो उसका नाम रख दिया आयोग के, के अध्यक्ष थे उसका नाम एस के धर रख दिया इसी तरह से भूरिया समिति का नाम इसलिए रखा गया भूरिया आयोग क्योंकि उसके अध्यक्ष दिलीप सिंह भूरिया थे कल को यह भी तो हो सकता है प्रश्न कि बताइएगा भूरिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे ऑप्शन एक दिलीप सिंह भूरिया ऑप्शन बी कांतिलाल भूरिया ऑप्शन सी सचिंद्र भूरिया अब ऐसे नाम कुछ भी दे देगा तो आपको कांतिलाल भूरिया दिलीप सिंह भूरिया में से दिलीप सिंह को लगाना है उत्तर पैसा कानून जो कि आदिवासियों को कई अधिकार देता है जिसमें लिखा हुआ है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम उन्नीस फिर से सुनो पैसा कानून ये पढ़ाऊंगा ये बात ध्यान रखना पैसा कानून का एक लेक्चर पूरा पैसा कानून पे होगा क्योंकि वो आदिवासियों के लिए बहुत अधिकार प्रदान करता है ठीक है ना ये बात पैसा कानून जिसका पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम जो आदिवासियों को सुरक्षा प्रदान करता है उसे बनाने का श्रेय दिलीप सिंह भूरिया को जाता है तो यहां से अगर मैं पूरा इरेज भी कर दूं यहां से रब कर दूं इसे तो आपको कौन से पॉइंट मोस्टली आपको याद रखना है नाम याद रखना है दिलीप सिंह भूरिया जन्म स्थान याद रखना है झाबुआ इनकी जनजाति का नाम है भील इनका निधन हो चुका है दिलीप सिंह भूरिया की अगर मैं बात करूं तो ये छह बार सांसद रह चुके हैं दिलीप सिंह भूरिया भूरिया आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं क्योंकि भूरिया आयोग इनके अध्यक्षता में रहा दिलीप सिंह भूरिया ने पैसा कानून पैसा एक्ट के लिए आदिवासियों के लिए इन्होंने पूरा पूरा प्रयास किया और पैसा एक्ट लाया जो आदिवासियों को सुरक्षा और अधिकार प्रदान करता है सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है ठीक है ना चलो वीडियो को लाइक भी करते चलो और शेयर भी करते चलो सूरज जामरा आपको लगता है कि कुछ बच रहा है कुछ छूट जाएगा कुछ भी नहीं छूटेगा आनंद सिंह परमार पूछ रहे हैं सर, लैपटॉप में एप्लीकेशन चलेगा हां जी भैया चलेगा लैपटॉप में एप्लीकेशन चलेगा आगे बढ़िएगा अगला नाम दिलीप सिंह भूरिया के मामले में अगला पॉइंट देखेंगे दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में तेंदुपत्ता नीति बनाने के लिए ध्यान प्रदेश तेंदु में तेंदुपत्ता नीति जो लाई गई वह सब कुछ श्रेय किसको जाता है दिलीप सिंह भूरिया को जाता है तो याद रखिएगा दिलीप सिंह भूरिया के नेतृत्व में तेंदुपत्ता नीति लाई गई थी तो भूरिया कमेटी ने फिर से सुनिएगा भूरिया कमेटी ने कौन सी नीति बनाई थी तेंदुपत्ता नीति तेंदुपत्ता जंगल में होगा वनोपज होगी और वनों की उपज पर गौण वनोपज पर आदिवासियों का अधिकार होगा आदिवासी क्षेत्रों में जो जंगल है उस जंगल से प्राप्त जो वनोपज है जैसे गोंद है जैसे कि औषधि तत्व है जैसे कि लकड़ी है जैसे कि आप ये देखेंगे ये तेंदु पत्ता है ऐसो पर अधिकार आदिवासियों का हो पैसा एक्ट में और समझोगे इसके लिए काम किए दिलीप सिंह भूरिया अखिल भारतीय सहकारी संघ के अध्यक्ष भी थे और बोफोर्स घोटाले की प्रारंभिक जांच के लिए बनी संसदीय घोटाला राजीव गांधी साहब, इंदिरा गांधी जी की हत्या, राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना राजीव गांधी पर आरोप लगना बोफोर्स याद होगा आपको तोप मिसाइल विदेशों से लाना कर्ज सिर पर आना उस बोफोर्स घोटाले की जांच की जो समिति बनी थी उसके सदस्य भी थे अब चूंकि राजीव गांधी के खिलाफ जो समिति बैठी उसके सदस्य होना अटल बिहारी की सरकार में अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति मंत्रालय के मंत्री होना यह सीधा सा आपको पता चलता है कि ये भाजपा के थे ठीक है ना नेक्स्ट पर आ जाए भाई अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अरे मेरे भैया क्लास में पढ़ाऊंगा तभी तो आएगी तुम क्या सोच रहे हो कि यूनिट टेन के बीस लेक्चर मैंने बना के डाल दिए अरे मैं पढ़ा रहा हूँ ये तुम्हारे सामने जो बोल रहा हूँ यही चल रहा है यही मिलेगा बाबा ऐसा नहीं है कि हमने पहले पढ़ा के बीस लेक्चर डाल दिए और कहा जाओ देख लो जो पढ़ा रहे हैं वही आपको दिखेगा दो लेक्चर ही हुए हैं दो ही दिखेंगे तीसरा लेक्चर चल रहा तीसरा दिखेगा राजा तुम इस बात को नहीं समझ पाए ठीक है ये केवल और केवल यूनिट टेन आपको टू नाइनटी नाइन में सत्यदी शर्मा के मोबाइल एप्लीकेशन पर ये यूनिट टेन पूरी जिसको एप्लीकेशन वाले बच्चे पूछ रहे हैं, वो है गणेश बोडाना हेलो सर आई एम ए प्राइमरी स्कूल टीचर बिग फैन ऑफ यूर सर थैंक यू जो भी है आपके पढ़ाने से है सर बस एक बार मिलने का सपना अरे हमसे मिलने का सपना कहा रास्ते में मां साहब रुको हम रुक जाएंगे ठीक है आइए स्वागत है आपका फग्गन सिंह कुलस्ते भाई साहब ध्यान से सुनिएगा नाम लिखा हुआ फग्गन सिंह कुलस्ते क्या नाम लिखा हुआ है फग्गन सिंह कुलस्ते जन्म अठारह मई अठारह उन्नीस में बारा बाती मंडला सब हटा दो सिर्फ एक ही चीज याद रखो नाम याद रखो फग्गन सिंह कुलस्ते जिला याद रखो मंडला जनजाति याद रखो गोंड जनजाति क्या याद रखेगी गोंड तो फग्गन सिंह कुलस्ते की जनजाति कौन सी होगी राजा भैया गोंड जनजाति फिर से याद रखिएगा नाम है फग्गन सिंह कुलस्ते जनजाति गोंड है अब आप पूछोगे सर इनका कार्य क्षेत्र बताओ आपने इन व्यक्ति का नाम तो बोर्ड पर ला दिया आप क्यों पढ़ा रहे हो कोई खासियत इनकी हाँ भैया ये राजनेता है राजनेता है सर कौन सी पार्टी से है सर ये बीजेपी पार्टी से है बीजेपी पार्टी से है कौन सा पद है सर इनका बताएंगे जी हाँ ध्यान सुनिएगा ध्यान सुनिएगा सांसद रहे हैं क्या रहे हैं सांसद अब सुनिएगा ध्यान से लोकसभा सांसद मंडला से छह बार अभी फग्गन सिंह कुलस्ते को मंडला से चुनाव लड़ाया गया सांसद को चुनाव लड़ाया कोई बड़ी बात नहीं है सांसद को चुनाव लड़ाना और सांसद का हार जाना बड़ी बात नहीं है भारतीय राजनीति में इनको चुनाव लड़ाया गया मंडला से विधायक का चुनाव हार गए समझ में आ रहा है कैसे कैसे लोग चुनाव हारे हैं अभी 2023 के चुनाव में इसलिए याद रखिएगा और इनको मंत्रालय मोदी सरकार के मंत्रालय में इनको मंत्री बनाया गया था ठीक है ना फग्गन सिंह कुलस्ते राजनीतिक परिचय देते हैं इनका क्या क्या इनके बारे में लिखा हुआ है देखिएगा मंडला लोकसभा से लगातार छह जीत दर्ज की ये देखो ये लिखा हुआ है लगातार छह जीत दर्ज की 1989 में पहली बार मंडला से विधायक चुने गए थे 1999 से 2004 तक केंद्रीय संसदीय कार्य राज्य मंत्री रहे थे राज्य मंत्री केंद्रीय संसदीय कार्य के राज्य मंत्री रहे थे कैबिनेट मंत्री राज्य मंत्री राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तीन तरह के मंत्री होते हैं फिर से सुन लीजिएगा हमेशा ध्यान रखिएगा तीन तरह के मंत्री होते हैं एक होगा कैबिनेट मंत्री एक होगा कैबिनेट मंत्री एक होगा राज्य मंत्री और उसके आगे लिखा रहेगा स्वतंत्र प्रभार स्वतंत्र प्रभार और एक होगा राज्य मंत्री एक कौन सा होगा राज्य मंत्री ठीक है ना इन तीनों को मिला दो तो एक कहलाता है इन तीनों को मिला दो तो कहलाती है मंत्री परिषद क्या कहलाती है मंत्रिपरिषद मिनिस्टर काउंसिल और अगर केवल कैबिनेट के को दे दूं तो इसको कहते हैं मंत्रिमंडल क्या कहते हैं मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल सबसे अपर लेवल के जो नेता होते हैं वो इसी में आते हैं किसी राज्य के हो या देश में हो देश का पीएम राज्य का सीएम गृह मंत्री देश का रक्षा मंत्री देश का रेल मंत्री देश का विदेश मंत्री वित्त मंत्री यही राज्य में वित्त मंत्री कृषि मंत्री जल संसाधन मंत्रालय का मंत्री ये सारे मंत्री बड़े बड़े कैबिनेट मंत्री में आते हैं ठीक है ना तो उसके बाद में फिर आप देखेंगे राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार फिर आता है राज्य मंत्री तो ये थे संसदीय जनजाति से संबंध रखते मंडला से है राजनेता है बीजेपी पार्टी से बस इतना याद रखो ठीक है ना आगे बढ़िएगा आगे देखेंगे राजनीतिक परिचय में 2012 में राज्यसभा में चुनाव चुने गए कहाँ पर चुने गए राज्यसभा में चुने गए तथा वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में पुनः जीत दर्ज की 2016 से 2017 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी रहे और वर्तमान प्रधान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री का दर्जा दिया लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूं दो के चुनाव की वहां इनकी हार हो गई वहां इनकी हार हो गई ये बात याद रखिएगा ठीक है चलिएगा फग्गन सिंह कुलस्ते इसके बाद में आता है कांतिलाल भूरिया फग्गन सिंह कुलस्ते गोंड जनजाति से है कांतिलाल भूरिया दिलीप भूरिया देवीलाल भूरिया ये सब भील जनजाति से है ठीक है जन्म आता है झाबुआ में एक जून 1950 जन्म कहां पर है एक जून 1950 को जिला कौन सा हो गया जिला हो गया भैया झाबुआ तो झाबुआ में एक जून 1950 को इनका जन्म हुआ नाम है कांतिलाल भूरिया नाम क्या है भैया कांतिलाल भूरिया भूरिया 1998 से 1999 और 2004 ईस्वी में मध्य प्रदेश के झाबुआ निर्वाचन क्षेत्र से तथा 2009 में और 2015 में रतलाम लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित किए गए यहां तक क्लियर है आप लोगों को जो लोकसभा सीट है रतलाम वहां से ये निर्वाचित किए गए मध्य प्रदेश में छह लोकसभा सीटें जो है वो एसटी के लिए रिजर्व है 6 लोकसभा सीटें एसटी के लिए रिजर्व है रतलाम एक धार 2 खरगोन 3 बैतुल चार और मंडला पांच और आपका शेड्यूल ये छह लोकसभा सीटें एस्टिकली रिजर्व है आपको याद रखना है नाम क्या है कांतिलाल भूरिया 2009 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार में ये कांग्रेस से थे याद रखिएगा उपभोक्ता एवं खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रहे हैं मैं आपको जो बता रहा हूं वो एक बार देख लो फिर मैं बता रहा हूं उतना ही पढ़ना बस कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना कांतिलाल भूरिया पंद्रहवीं लोकसभा में जनजातीय मामले के मंत्री रहे हैं अब आप कहोगे सर आपने इतना सारा डिटेल में लिख दिया है भाई मैं नहीं लिखता ना और आदमी को अगर मैं केवल एक लाइन में समेट देता ना तो आप खुद उसकी इज्जत नहीं करते उस कंटेंट की इज्जत नहीं करते अब जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनो सर हमें क्या याद रखना है आपको दो चीज याद रखना है जिसमें से पहले वाले व्यक्ति को ज्यादा याद रखना है एक नाम तो आपको याद रखना है वो है दिलीप सिंह भूरिया क्या नाम है एक नाम है वो है दिलीप सिंह भूरिया और दूसरा नाम है कांतिलाल भूरिया क्या नाम है कांतिलाल भूरिया दिलीप सिंह भूरिया और कांतिलाल भूरिया में याद रखिएगा कि दिलीप सिंह और कांतिलाल दोनों ही भील जनजाति से कॉमन फैक्ट बता रहा हूं दोनों ही भील जनजाति से दोनों ही झाबुआ से है ये कॉमन फैक्ट है दोनों ही राजनेता है ये भी कॉमन फैक्ट है बस दिलीप सिंह भूरिया जो है वो बीजेपी से है और कांतिलाल भूरिया जो है वो कांग्रेस से रहे हैं दोनों को ही अच्छे मंत्रालय प्राप्त हुए दोनों ही कैबिनेट में रहे हैं दिलीप सिंह भूरिया का योगदान ज्यादा रहा है जिन्होंने आदिवासियों के लिए पैसा एक्ट भूरिया कमेटी का गठन तेंदुपत्ता नीति का निर्माण करवाया तो ये आप दूसरों एक दूसरे से कनेक्ट करके चलिएगा ठीक है ना ओके आगे बढ़े अगला प्रश्न देखिएगा इससे पहले ये वाला जिसको लग रहा है कि भाई ये अलग अलग बैच कैसे है तो वो बैच केवल और केवल यूनिट टेन के लिए है और ये वाला बैच एमपीजी के जहां जहां है पूरे पी के सिलेबस में प्री में उसके लिए है तो आप सबका एक ही समाधान मोबाइल एप्लीकेशन पर विजिट करेंगे तो समझ में आएगा विजिट करने का कोई उसमें चार्ज थोड़ी ना होता है किसी भी संस्थान का आप किसी भी इंस्टीट्यूट का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि इसमें आखिर में है क्या विजिट करने पे सब पता चलेगा आगे बढ़ रहा हूँ राजा भैया अगला नाम देखिएगा शांता भूरिया शांता भूरिया को ज्यादा आप लोगों ने नहीं सुना है तो आप पहले तो तस्वीर देखें और इधर देखें। शांता भूरिया भील समुदाय की प्रतिष्ठित ये भी चित्रकार है देखो भूरिया लगा है ना कांतिलाल भूरिया दिलीप सिंह भूरिया देवीलाल भूरिया और भूरीबाई भूरिया शांता भूरिया पद्मश्री भूरीबाई की पुत्री है भूरी भाई का संबंध भील जनजाति से उनकी बेटी का संबंध भी भील जनजाति से सीधी बात भूरी भाई चित्रकार उनकी बेटी भी चित्रकार भूरी भाई का संबंध झाबुआ जिले से तो शांताबाई का संबंध भी झाबुआ जिले से ये लिखा झाबुआ जिले से भूरीभा पिथौरा चित्र बनाती शांताबाई भी पिथौरा चित्र बनाती तो बस शांताबाई भूरी बाई की बेटी है अगर भूरी भाई याद है तो समझ लो शांताबाई याद है दिमाग में तो रखना पड़ेगा भाई आखिर तक जाकर खिचड़ी होगी लेकिन अभी तो याद रखना पड़ेगा आगे देखिएगा शांता भूरिया भील समुदाय की युवा चित्रकार शांता भूरिया जनजातीय कला संस्कृति को सहज कर इसे देश प्रदेश के लोकप्रिय बना रही है इस लाइन को केवल आप लोगों को उस महिला की बातों को दिमाग में डालने के लिए इबारत लिखी है ना कि आपको पूरी लाइन एज इट इज याद करने के लिए लिखी है मेंस में काम ले लो तो अच्छी बात है कोई भी चीज यह तो नहीं आएगा यह पक्का है शांता अपने चित्रों में जनजातीय कथाएं पिथोरा ये पिथोरा देव पर्यावरण और आसपास के जनजीवन का चित्रांकन करती है फिर से मैं कहूंगा जो याद करना है वो क्या करना है नाम याद करना शांता भूरिया आपको जो कुछ भी याद है भूरी बाई के बारे में उनकी ही बेटी है भूरी बाई झाबुआ शांताबाई झाबुआ भील जनजाति भील जनजाति पिथोरा चित्रकला पिथौरा चित्रकला खेल खत्म बस थोड़ा सोच समझ के उत्तर लगाओगे आ जाएगा ठीक है ना आगे देखिएगा एक चीज और अर्जुन सिंह धुर्वे इधर देखिएगा अर्जुन सिंह धुर्वे जन्म कहां पर डिंडोरी जिले में कौन सी जनजाति बेगापस पकड़ करो इसकी भाई साहब पुरस्कार विजेता है पद्मश्री दो के अर्जुन सिंह धुर्वे का संबंध बेगा जनजाति से है डिंडोरी जिले से है और बेगा नृत्य के लिए विशेष प्रसिद्ध प्राप्त प्रसिद्धि प्राप्त है बेगा

परधोनी नृत्य सबसे फेमस है धदरिया नृत्य सबसे फेमस है दशहरा नृत्य सबसे फेमस है बिनका नृत्य सबसे फेमस है कोरकू जनजाति का चटकोरा फेमस है और सहरिया जनजाति का दुलदुल घोड़ी फेमस है भारिया जनजाति का भड़म और सेतम फेमस है होता है कि नहीं होता है इसी तरह से बेगा जनजाति का परधोनी और उसके प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन सिंह ध्रवे हैं इस नृत्य में बेल मोर हाथी घोड़ा इत्यादि में मुखोटे में कलाकार नृत्य का प्रदर्शन करता है बेल का घोड़े का हाथी का मुखोटा पहनकर नृत्य करता है 2022 में अर्जुन सिंह धुर्वे को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 18 में भज्जू सिंह श्याम चित्रकार गोंड जनजाति पद्मश्री डिंडोरी के याद आया 20 में आगे बढ़ेंगे तो 21 में भूरी बाई भील जनजाति चित्रकार पिथोरा पद्मश्री से सम्मानित 21 में हो गया बाविस में दुर्गाबाई व्याम भील जनजाति सॉरी दुर्गा जनजाति टिंडोरी चित्रकार कला पद्मश्री से सम्मानित दो हजार क्या लगता है आपको कि कोई चीज भैया दुर्गाबाई व्याम का प्रश्न पूछा जा चुका है पीएससी ने 19 जून दिमाग दिमागरी को बात 19 जून दो के पेपर में पीएससी में प्रश्न आया दुर्गाई व्याम का 21 मई उधर 25 जुलाई सब पेपर में प्रश्न आए इनके तो पद्मश्री से सम्मानित अर्जुन सिंह धुर्वे परधोनी नृत्य के लिए मैं आपको एक बात बता दूं अपना जो बेल्ट है ना ये मालवा बेल्ट इधर धुर्वे गोंड जनजाति के लोग लिखते हैं धुर्वे करपे इरपाचे ये सब पर उधर बेगा जनजाति बादल भोई कौन है ये सब गोंड जनजाति के है देखिएगा बादल भोई कौन है इधर देखिएगा ठीक है ना बादल भोई कौन है ये आपको देखना है बादल भोई का जन्म डुंगरिया के जिला छिंदवाड़ा में हुआ था जिला कौन सा है में हुआ था ठीक है ना मध्य प्रदेश में बादल भोई की तरह भीमा भोई और हुल्ली भोई भी महान सेनानी हुए हैं आपको बस इतना याद रखना है कि जिनके नाम के आगे भोई लगा हुआ है वो गोण जनजाति से संबंधित और वो छिंदवाड़ा के हैं प्रमुखता बादल भोई के संबंध में ठीक है इधर देखिएगा बादल भोई से संबंधित पॉइंट बादल भोई छिंदवाड़ा जिले के क्रांतिकारी जनजाति नेता थे अच्छा किस जनजाति से संबंध रहा इनका गोंड जनजाति कौन सी जनजाति गोंड जनजाति इन्हीं के नाम पर बादल भोई आदिवासी संग्राले में अंडरलाइन कर लो क्योंकि आपके यूनिट का एक पॉइंट भी है कि जनजाति से संबंधित पुरातात्विक स्थल एवं उनके संग्रहालय तो ये लिखो संग्रहालय आदिवासी संग्रहालय इस जनजाति संग्रहालय की शुरुआत 20 अप्रैल उन्नीस में हुई थी लेकिन 1975 में इस संग्रहालय को राज्य संग्रहालय का नाम दिया गया किस संग्रहालय का नाम दिया गया राज्य संग्रहालय स्टेट म्यूजियम फिर से सुनो बादल भोई संग्रहालय बीस अप्रैल उन्नीस को बन चुका था लेकिन 75 में इसका नाम राज्य संग्रहालय रखा आगे इसका नाम फिर से चेंज होगा नाइनटीन सेवनटी में तो याद रखिएगा 8 सितंबर उन्नीस को इसका नाम बदलकर बादल भोई जनजाति संग्रहालय रख दिया गया वर्तमान में भी यही नाम है बादल भोई परानी पूरा नाम जनजाति से संबंधित छिंदवाड़ा जिले से संबंध रखते हैं गोंड जनजाति के व्यक्ति रहे हैं जल जंगल जमीन बचाने का काम किया है बादल भोई के सम्मान में अप्रैल 1954 में म्यूजियम बना 75 में स्टेट म्यूजियम नाम दिया 1997 में एट ऑफ सितंबर को उनका नाम बदलकर आदिवासी जनजाति संग्रहालय रखा गया बादल के नाम पर ठीक है ना आदिवासी जनजाति संग्रहालय इस संग्रहालय में भारिया और गोंड जनजाति की विस्तृत जानकारी मिलती है क्लियर हुआ ये सारे नाम आप लोगों को पता होने चाहिए ठीक है ना आगे देखेंगे राजा अर्जुन सिंह गोंड क्या नाम दिया गया है राजा अर्जुन सिंह गोंड देखिएगा जिन विद्यार्थियों ने कभी इनके नाम नहीं सुने उनको बहुत जरूरी है कि ऐसे नाम ध्यान रखें। फतेहपुर के जागीरदार रहे हैं इन्होंने 1842 में बुंदेला विद्रोह में राजा परिषद एवं अट्ठारह में तात्या टोपे की सहायता की थी बुंदेला विद्रोह आपको पता होना चाहिए 1842 में बुंदेला विद्रोह हुआ था जिसमें राजपूत और लोधी और बुंदेलखंड के अन्य सामाजिक वर्ग के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे वो यूनिट नंबर टू में पढ़ने को मिलेगा और इधर बुंदेला विद्रोह में राजा परिषद का साथ दिया तात्या टोपी की भी सहायता की अन्य गोंड सरदार जैसे धारा सिंह गोंड सूरा गोंड गोंड इन्होंने अंग्रेजों के साथ कठोर संघर्ष किया मतलब अंग्रेजों के खिलाफ अंग्रेजों के साथ शब्द से आप गलत समझेंगे अंग्रेजों के खिलाफ कठोर संघर्ष किया आपको मैं क्या बताना चाह रहा हूं अर्जुन सिंह गोंड नाम के एक गोंड जनजाति के क्रांतिकारी रहे जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह में बुंदेला राजा पारीक्षित का साथ दिया जिन्हें राजा परीक्षित भी कहा गया वो वाला राजा परीक्षित नहीं भगवत कथा वाले और 1858 में तात्या टोपे का साथ दिया तो आपको अर्जुन सिंह गोंड के बारे में याद रखना है फतेहपुर के जागीरदार रहे कहीं ना कहीं यूनिट नंबर टू को टच करता है आगे चलिएगा आगे देखेंगे मंगरू गनु उइके क्या नाम है इनका मंगरू गनु उइके मंगरू गानू भारतीय राजनीतिज्ञ मतलब कि भारतीय पॉलिटिशियन रहे हैं इंडियन पॉलिटिशियन सामाजिक कार्यकर्ता भी रहे हैं सोशल वर्कर भी रहे हैं मंगरू गणू उइके अच्छा नहीं समझ पाए तो याद रखिएगा उइके गोंड जनजाति में आते हैं उइके कौन सी जनजाति में आते हैं गोंड जनजाति में कौन सी जनजाति में गोंड जनजाति में इनका जन्म कब हुआ यह तारीख भले याद मत रखो ठीक है ना पर याद रखिएगा कहां पर हुआ बधोना ठीक है ना याद रखिएगा और ये बधोना कहां पर आता है मंडला जिले में कहां पर आता है मंडला जिले में ठीक है ना तो सीधी सी याद रखो जगह का नाम ना रखते जिला याद रखो और इन्होंने नैनपुर मंडला को अपना स्थायी निवास बनाया ये नैनपुर मंडला जिले के अंतर्गत आता है जहां पर मध्य प्रदेश की सबसे पहली नेरो गैस ट्रेन चलाई गई थी एक्स्ट्रा पॉइंट की तरह मैंने बोला है एमपी की सबसे बड़ी या फिर कहूं मैं पूरे मध्य प्रदेश का नहीं पूरे भारत का सबसे बड़ा नेरोगेज रेलवे स्टेशन कहां था नैनपुर जिला मंडला में फिर से सुनो मैं जो बात कह रहा हूं ये जनजाति के प्रश्न से हटकर एक प्रश्न है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ठीक है ना याद रखिएगा सबसे बड़ा नेरोगेज रेलवे स्टेशन कहां पर है था बंद कर दिया गया ठीक है आगे बढ़ जाए जैसे मंगरू गणूई के अनुसुइया उई के ठीक है ना ये पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी लोकसभा में संसद रहे हैं सांसद रहे हैं या संसद के सदस्य रहे 1969 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो मंगरू गणूई के अब मैं आपको बता दूं पहली दूसरी तीसरी चौथी और पांचवी लोकसभा में ये सांसद रहे हैं 1969 में पद्मश्री से सम्मानित रहे हैं सीधी सी बात है कांग्रेस के नेता रहे हैं ठीक है, पर वो सारे वीडियोस हमेशा रहेंगे जो पढ़ा दिए गए हैं वीडियोस हटाने से किसी भी इंस्टीट्यूट को कोई फायदा नहीं है एक ने पूछा ये एप्लीकेशन पर नहीं है क्या ये पूरे एप्लीकेशन पर ही है के जो भी विद्यार्थी यूट्यूब पर देख रहे हैं उनको ये याद होना चाहिए कि ये एप्लीकेशन का ही पूरा सिलेबस चल रहा है एप्लीकेशन पर ही चल रहा है जैसी क्लास समाप्त होगी ये वीडियो एप्लीकेशन पर दिखने लगेगा पिछली दो क्लासेस समाप्त हुई दो क्लासेस शो हो रही है तीसरी समाप्त होगी तीसरी शो हो जाएगी अब मंडे से आपको इस टाइम पीरियड में एमसीक्यू लगवाए जाएंगे यूनिट टेन के बाकी ये जो चीज आप देख रहे हैं कंप्लीट ये जो आपको दिख रहा है देरा मैं अगला टॉपिक मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए क्या क्या योजनाएं हैं वो पढ़ाऊंगा तो वो कहा एप्लीकेशन पर चलेगी तो एप्लीकेशन वाले विद्यार्थियों को तो रोज नोटिफिकेशन आएगा रोज लेक्चर आएगा ठीक है आगे देखिएगा मंगरू गुण के गोंड जनजाति से संबंध रखते हैं रेनोबाई याद रखिएगा रेनोबाई जो है ये गोंड जनजाति से संबंधित है तो इनका पूरा नाम क्या रेनोबाई गोंड क्या नाम इनका पूरा रेनोबाई गोंड याद रखिएगा इन्होंने 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह में भाग लिया 1930 में टूरिया जंगल सत्याग्रह में भाग लिया 9 अक्टूबर 1930 को जंगल कानून तोड़ने की उमड़े भीड़ समुदाय पर गोलीबारी चलाई गई तो जंगल कानून जो था वो जो बनाया उसका विरोध करने के लिए जो भीड़ थी उस पर जब अंग्रेजों ने गोलियां चलाई तो उस भीड़ में रेनोबाई भी शहीद हो गई इसलिए याद रखिएगा रेनोबाई का संबंध किस जनजाति से तो याद रखिएगा गोंड जनजाति से रेनोबाई का संबंध किस सत्याग्रह से तो याद रखिएगा 1930 के जंगल सत्याग्रह उसका नाम है टूरिया जंगल सत्याग्रह तो रेनोबाई गोंड ये गोंड जनजाति की एक महिला रही है जिसने अंग्रेजों से लोहा लिया या अंग्रेजों के सामने खड़ी हो गई किस बात को लेकर कि जंगल को बचाना है तो रेनोबाई गोंड ये भी याद है आप लोगों को आगे बढ़िएगा राजा महिपाल सिंह गोंड गोंड जनजाति के प्रमुख व्यक्तित्व में आता है राजा महिपाल सिंह गोंड ठीक है ना ये भुटगांव के जागीरदार रहे जो कि जबलपुर के पास स्थित है तो आपको याद रखना होगा जिला कौन सा लग जाता है जबलपुर तो महिपाल सिंह गोंड कौन से जिले से हैं तो याद रखिएगा जबलपुर से हैं कहां से हैं जबलपुर से रहे हैं 1857 की क्रांति में मंडला रायगढ़ मतलब कि छत्तीसगढ़ शाहपुरा मतलब कि ये आपका डिंडोरी में आता है सोहागपुर मतलब कि आपका शेडोल में आता है इन क्षेत्रों में क्रांतिकारियों का साथ दिया इन्होंने रानी अवंतीबाई लोधी का भी साथ दिया 1857 की क्रांति में छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ uh, के रायगढ़ से अपने शहडोल के सुहागपुर से या आपके शाहपुर आपके डिंडोरी वाले से मंडला से क्रांति की और मंडला क्षेत्र में जो क्रांति रानी अवंतीबाई लोधी कर रही थी उनका साथ दिया मैं आपको बता दूं रानी अवंतीबाई लोधी अवंतीबाई लोधी का साथ दे रहे हैं कौन याद रखिएगा महिपाल सिंह गोंड ठीक है ना महिपाल सिंह गोंड और वहीं पर रानी अवंतीबाई लोधी का विरोध कौन कर रहे हैं बघेल राजवंश के राजा रघुराज प्रताप सिंह बघेल जबकि साथ दे रहा है एक आदिवासी आपने कभी नाम ना सुने होंगे ये आपकी गलती है, लेकिन अब सामने है फिर भी ना सुनो ये सबसे बड़ी गलती है ठीक है अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं इमरत भोई सरेआम तो याद रखिएगा इमरत भोई सरेआम या सरनेम आप लोगों को अपने क्षेत्र में इस तरह से मिलेगी सरियाम या सरियाम या सरयाम ठीक है ना तो गोंड जनजाति में लिखा जाता है ये सरनेम ठीक है ना याद रखिएगा कोई भी यदि आदिवासी नहीं है और सीधी सी बात है आदिवासी भी होगा तो कोई वो जरूरत थोड़ी ना गोंड जनजाति से होगा ठीक है ना याद रखिएगा सरयाम सरियाम श्रेयाम सरेआम ये सरे आम नहीं होता है या तो श्रे आम सरियाम या सर ये गोंड जनजाति की गोत्र है गोंड जनजाति की सरने में जैसे सबकी अपनी अपनी आपके सरनेम है आया समझ में नौ जुलाई 1836 को नवे गांव के समीप पर ठीक है ना उमराठी गांव में इनका जन्म हुआ ये एक बेहतरीन तीरंदाज थे तात्या टोपे के साथ मिलकर उनकी सहायता की और हर्रा कोट के जागीरदार महावीर सिंह के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ भीषण युद्ध किया मेरा बताने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि इमरत भोई सरियाम का संबंध गोंड जनजाति से रहा है और अठारह की क्रांति में इन्होंने सहयोग किया अब छत्तीस में जन्मा व्यक्ति कितना बड़ा होगा 21 साल का आप अपनी आयु देखो इक्कीस साल का इमरत भोई अठारह सत्तावन की क्रांति में लड़ रहा है और हम इक्कीस साल में क्या कर रहे हैं सर हम भी लड़े क्या मत लड़ो पर पढ़ो ठीक है ना बस पढ़ो अच्छे से पढ़ो आगे देखिएगा पढ़ने वाले थक गए पढ़ाने वाले नहीं थके कैसी कैसी हैं रे भैया ठीक है ना चलिएगा ये ये वाला जो सिलेबस आपको है ना इसी की मैं चर्चा कर रहा हूं एप्लीकेशन पर आगे देखिएगा देवी सिंह गोंड

कुल मिलाकर सब कुछ हटा दू तो एक ही बात कहूंगा देवी सिंह गोंड का संबंध किस जनजाति से तो गोंड जनजाति से देवी सिंह गोंड का संबंध किस क्षेत्र से तो जबलपुर से देवी सिंह गोंड किस कार्यकाल में किस दौर में लड़े थे तो अट्ठारह सत्तावन की क्रांति में ठीक है ना आगे बढ़े देवी सिंह गोंड अलगपुर की बादलवनी नेविड इन्फेंट्री के विद्रोही सैनिकों का साथ मिला इनको साथ मिला ठीक है ना इनके साथ इनके पुत्र गिरवर सिंह ने अंबा पानी के नवाब आदिल मोहम्मद खान के साथ मिलकर अंग्रेजों का विद्रोह किया अब ये आदिल मोहम्मद खान कौन थे याद रखिएगा जब अठारह का युद्ध चल रहा था एटीन का तो भोपाल की बेगम उसका नाम था सिकंदर जहां बेगम वो सिकंदर जहां बेगम ने अंग्रेजों का साथ दिया एक तरफ वह सिकंदर जहां बेगम एक मुस्लिम बेगम शाशी का अंग्रेजों का साथ दे रही वही उस भोपाल रियासत के दो भाई आदिल मोहम्मद खां और फाजिल मोहम्मद खां बेगम को कह रहे हैं कि तुम्हें गलत कर रही हो तो बेगम ने कहा कि तुम गलत कर रहे हो भोपाल से भागे सागर में राहतगढ़ के किले पर मोर्चा संभाला और राहतगढ़ के किले पर अंग्रेजों ने इनको पकड़ा तो आदिल मोहम्मद खां तो भाग गए निकले फाजिल मोहम्मद खां को अंग्रेजों ने पकड़कर राहतगढ़ के किले के मुख्य दरवाजे पर फांसी लगा दी ये आदिल मोहम्मद खां जो थे वो भाग गए तो इन आदिल मोहम्मद खां की बात कर रहा है वो तो अंबा पानी के युद्ध में आदिल मोहम्मद खां का साथ दिया और अंग्रेजों से लड़े आदिल मोहम्मद खां यूनिट नंबर टू का पार्ट है ये पढ़ने को मिलेगा में। आगे बढ़ जाए राजा बिरसा गोंड आपने बिरसा मुंडा का नाम सुना होगा वो हमारे प्रदेश से नहीं थे वो झारखंड से थे क्योंकि मुंडा जनजाति झारखंड में है प्रदेश के नर्मदा घाटी क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम को दिशा देने वाले प्रमुख क्रांतिकारी व आदिवासी नेता बिरसा गोंड सीधी सी बात बिरसा गोंड गोंड जनजाति से आदिवासी क्रांतिकारी 19 अगस्त 1942 में बैतूल जिले के घोड़ा डोंगरी में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया तो 1942 का वो दौर था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बिरसा गोंड का संबंध भारत छोड़ो आंदोलन से है कुछ आ रहा समझ में भारत छोड़ो आंदोलन से है ठीक है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ये देखो रेल की पटरियां उखाड़ी पुलिस थाने एवं लकड़ी के डिपो में आग लगा दी पुलिस एवं वन अधिकारियों द्वारा बिना चेतावनी के गोली चलाने के कारण गोली लगने से बिरसा गोंड की मृत्यु हो गई भारत छोड़ो आंदोलन में अंग्रेजों का डटकर सामना किया उन्होंने गोली चलाई तो गोली बिरसा गोंड को लगी बिरसा गोंड शहीद हो गए तो मेरा सीधा सा कहना है बिरसा उनकी मृत्यु हो गई आगे देखेंगे विष्णु सिंह उइके गोंड जनजाति से मैंने कहा था जैसे अनुसुईया उइके मंगरू गनुके विष्णु सिंह उइके गोंड जनजाति के इनका जन्म बैतुल जिले में हुआ किस गांव में हुआ मत याद करो भारत छोड़ो आंदोलन में घोड़ा डोंगरी शाहपुर क्षेत्र में विष्णु सिंह गोंड ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया तो इनका संबंध भी किस क्षेत्र से रहा है भारत छोड़ो आंदोलन की क्रांति से रहा है नाम है विष्णु सिंह उइके ठीक है आगे बढ़िएगा आगे देखेंगे संग्राम शाह क्या नाम आता राजा संग्राम शाह मैं इनके बारे में एक बात बता दूं संग्राम शाह को बहुत अच्छे से पढ़ना यूनिट नंबर टू में बहुत ज्यादा काम आएगा कारण बताता हूं संग्राम शाह एटीन सॉरी फोर्टीन एट्टी टू से फिफ्टीन थर्टी टू गोंडवाना के गढ़ा साम्राज्य के शासक इनका शासनकाल गोंड राज्य के स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है क्यों जाना जाता है ध्यान से सुनिएगा ये रानी दुर्गावती के ससुर जी हैं इनके पास इतनी रियासत थी जैसे अपन कहते हैं ना ये किला किस राजा का ये किला किस राजा का तो अपन सोचते हैं राजा कितना बड़ा रहा होगा देखो उसका ये किला था उसकी एक रियासत थी उसका एक गढ़ था आप कहीं भी जाओगे जैसे कहोगे धार का किला तो आप कहोगे देखो धार का किला देखो कोई राजा कितना बड़ा था जिसका किला था आप कहोगे देखो ये यहाँ पर ग्वालियर का किला कितना बड़ा राजा था ऐसे बावन किले थे इनके पास फिफ्टी टू इतना बड़ा व्यक्ति था इसलिए याद रखिएगा इनको बावन गढ़ाधिपति कहा जाता है उनका प्रारंभिक नाम अमन दास जिसको आपको मैं सुधार करके बता दू अहमन दास था इनका प्रारंभिक नाम क्या था अहमन दास इनका प्रारंभिक नाम क्या था अहमन दास इनका प्रारंभिक नाम क्या था अहमन दास इनका प्रारंभिक नाम क्या था अहमन दास।, दास क्या नाम था इनका अहमन दास और बाद में बावन गढ़ो को जीतकर संग्राम शाह की उपाधि प्राप्त की मतलब जिस नाम से आप इनको जान रहे हैं वाकई में वो उपाधि है इनका नाम तो दास था और संग्राम में विजय होने के बाद संग्राम शाह कितने गढ़ जीते बावन इसलिए इनको क्या कहा है बावन गढ़ाधिपति बावन गढ़ जिसके अधीन हो उसके पति पति मतलब की स्वामी बावन गढ़ों के स्वामी गोंड राजा संग्राम शाह संग्राम शाह वंश का 48वां शासक था इनके पिता अर्जुन सिंह थे गोंड साम्राज्य के विस्तार हेतु संग्राम शाह गढ़ा के बावन किलो को जीता तथा इस जीत के उपलक्ष्य में नरसिंहपुर में चोरागढ़ का किला बनाया आया कुछ दिमाग में नरसिंहपुर में चोरागढ़ का किला बनाया कुछ एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं संग्राम शाह संग्राम शाह के पुत्र का नाम था दलपत शाह क्या नाम था दलपत शाह दलपत शाह दलपत शाह, शाह के पुत्र का नाम था कुंवर वीर नारायण क्या नाम था कुंवर वीर नारायण कुंवर वीर नारायण अब ध्यान से सुनिएगा कुंवर वीर नारायण की माता अर्थात दलपत शाह की पत्नी का नाम था रानी दुर्गावती क्या नाम था रानी दुर्गावती तो आपको एक प्रश्न बन गया संग्राम शाह ने अपनी राजधानी किसे बनाया तो संग्राम शाह ने अपनी राजधानी हमेशा याद रखिएगा वो नरसिंहपुर में दिख रहा ना चोरागढ़ का किला बनाया था इन्होंने अपनी राजधानी रखा जबलपुर को किसको रखा जबलपुर को इसको को कहते हैं मंडला दलपत शाह ने अपनी राजधानी कहां पर बनाया तो याद रखिएगा एक स्थान आता है जिसका नाम है संग्रामपुर सिंगियारपुर का किला जिसको दमोह में दिखा जाता है तो दलपत शाह ने अपनी राजधानी बनाई दमोह और दलपत शाह की मृत्यु के बाद में रानी दुर्गावती ने राजधानी बनाई अपनी चोरागढ़ तो चोरागढ़ का किला कहां पर है यह आपको बताना है तो चोरागढ़ का किला नरसिंहपुर में है जिसको बनाया संग्राम शाह ने और उसको राजधानी बनाया उनकी पुत्र वधु भी नारायण की माता दुर्गावती ने और एक बेटा और था चंद्रशाह जो बाद में अकबर से हाथ मिला लेता है ठीक है ना आगे बढ़ेंगे संग्राम शाह को कला के संरक्षक के रूप में जाना जाता था और साहित्य और संस्कृत का बहुत ज्ञान था रस रत्न माला उनके द्वारा संस्कृत में लिखा गया था संस्कृत भाषा में रस रत्न माला लिखा तो गोण जनजाति के जानकारी के रूप में रस रत्न माला किताब याद रखिएगा ठीक है रघुनाथ सिंह मंडलोई ये बड़वानी जिले में जन्म हुआ भील जनजाति के भिलाला वर्ग से संबंध रखते हैं मंडलोई मैंने कहा ना मंडलोई हुआ सिसोदिया हुआ बुंदेला बुंदेला राजपूत अलग है बुंदेला भील अलग है अठारह की क्रांति में भाग लिया बड़वानी के ही नेता सीताराम कंवर की सहायता की थी देखो नाम देखो पहले रघुनाथ सिंह मंडलोई जिला बड़वानी जनजाति भील वर्ग भिलाला अठार सत्तावन क्रांति के नेता और अठारह सत्तावन की क्रांति के समय लड़ रहे सीताराम कंवर की सहायता की थी ठीक है एक और चीज देखो हर्ष चौहान जिला धार के हैं ये भी भील जनजाति के भिलाला वर्ग से हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं राष्ट्रीय नेशनल अनुसूचित जनजाति एस टी अर्थात शेड्यूल ट्राइब्स आयोग मतलब कमीशन नेशनल शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन के अध्यक्ष रह चुके हैं नाम है हर्ष चौहान और झाबुआ जिले में शिवगंगा परियोजना कौन सी परियोजना शिवगंगा परियोजना और हमला आंदोलन को प्रारंभ किया जो सॉरी हलमा आंदोलन को प्रारंभ किया हलमा प्रथा याद है आपको नहीं याद है पूरी जनजाति के दौरान सब पढ़ेंगे भील जनजाति जब पढ़ेंगे तो हलमा प्रथा आएगी मैं आपको बता दूं हलमा प्रथा इसमें भील जनजाति के लोग अपने ही समुदाय समाज के लोगों का एक दूसरे का सहयोग करते हैं सहायता करते हैं उनके साथ काम करते हैं मदद करते हैं ठीक है ना पानी को सुरक्षित बचाने की एक कला है हलमा आंदोलन हलमा प्रथा हाथीपावा पहाड़ी पर शिवराज सिंह चौहान दो में गए थे वहां हलमा प्रथा को फिर शुरू किया था आगे बढ़िएगा नाम आता है लहरी बाई बढ़िया नाम बहुत बढ़िया काम लहरी बाई, जिला डिंडोरी सिलपीड़ी गांव की जनजाति बेगा कार्य क्षेत्र कृषि मैं अनुरोध करूंगा थोड़ा ध्यान देके पढ़ो लहरीबाई के बारे में नाम है लहरीबाई जिला है डिंडोरी जनजाति है बेगा क्षेत्र है कृषि इक्कीस बाईस साल की महिला है पुरस्कार का नाम है प्लांट जिनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में प्लांट जीनोम सेवियर फार्मर पुरस्कार से सम्मानित आदिवासी महिला का नाम बताओ तो लेहरी भाई फॉर्मर शब्द से पकड़ कर लेना भाई किसान पुरस्कार में डेढ़ लाख रुपए सहित प्रशस्ति पत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिया लहरीबाई क्यों चर्चा में आई लहरीबाई कम आयु की एक महिला जिन्होंने शादी इस हेतु नहीं की है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहती है लहरी बाई डिंडोरी के एक गांव में है और लहरीबाई के पास में बाजरा ज्वार मक्का, कोदो कुटकी और अन्य ऐसे मोटे अनाजों का भंडार है लेहरी बाई के पास लगभग लगभग डेढ़ सौ किस्म स्पेसिस प्रजातियों के बीज हैं। ऐसे बीज जिनके अनाज खाने से बीमारियां दूर दूर तक पास नहीं आती है जैसे आज की तारीख में गेहूं का आटा खा खा के लोगों की हालत देखो तोंद देखो तो कहां जा रही है आदमी किसी के घर में जाए तो वो बाद में घुसे पहले उसका पेट घुसता है बीमारियां तरह तरह की उनको पाचन शक्तियां कमजोर हो चुकी है पहले के जमाने के लोग ज्वार बाजरा मक्का कोदो कुटकी का सेवन करते थे ज्वार को पीसते थे उसको उबालते थे और मई के साथ में छाछ के साथ में बना के खाते थे एक शब्द सुना होगा आपने राबड़ी शब्द सुना होगा ऐसे इनका प्रयोग किया करते थे गजब के तो उन अनाजों को सुरक्षित किया तो नरेंद्र मोदी जी ने हमारे प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया कि डिंडोरी के गांव की एक महिला है नाम लहरी बाई है उनके उनके द्वारा कई सारे बीजों को सुरक्षित रखा गया है हम उनको प्रोत्साहित करते हैं हम उनकी सराहना करते हैं हम उनको एक नाम देते हैं उनको एक उपाधि दी इधर देखिएगा याद रखिएगा इनको बाजरा राजदूत कहा क्या कहा बाजरा राजदूत बाजरे की कई किस्में और बाजरा कभी भी आपको नुकसान नहीं देगा बाजरे की रोटी खाओ कभी नुकसान नहीं देगा ठीक है ना लहरी भाई अपने गांव से डुम्सडे वोल्ट अर्थात बीज बैंक को चलाती है कल को अगर मान लो ये डुम्सडे वोल्ट आ गया तो ऐसा लगेगा साहब ये कोई एक नया शब्द होगा समझ जाओ यहीं पर लिखा हुआ है यहां मिलेट्स अर्थात मोटे अनाज का एक बैंक है मिलेट्स मतलब मोटे अनाज का एक बैंक है मिलेट्स को श्री अन्न नाम दिया गया क्या नाम दिया गया श्री अन्न मतलब श्री श्री शब्द का मतलब समझते हो श्री किसको कहते हैं लक्ष्मी जी को श्री किसका नाम है लक्ष्मी जी का श्री अन्न यूनेस्को ने 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया अर्थात यूनेस्को ने 2023 के वर्ष को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट्स वर्ष घोषित किया था तो मोटे अनाज मिलेट्स के लिए लहरी बाई डिंडोरी जिले से या बेगा जनजाति की महिला है इन्हें बाजरा राजदूत के नाम से कहा गया और मोटे अनाज का नाम क्या रख दिया गया श्री अन्न यहाँ फोटो में देखोगे तो आप लोगों को नजर आ रहा है देखो उन्होंने लिख के भी रखा है ठीक है ना कुटकी वो कुटकी की कौन सी किस्म वो भी लिख के रखा है नाग कुटकी पडरा क्या लिखा हुआ है ये इस तरह से बीजों को बचा के रखती है बोलती जाओ इन बीजों को बो उगाओ फिर इनसे और बीज बनेंगे इनको बांटो लोगों में जागरूकता फैलाओ ठीक है ना मक्का की राबड़ी खाओ बहुत मजे आते होंगे ठीक है चलो भैया ये सिलेबस एमबीपीएससी मिशन 2024 प्री मेंस इंटरव्यू तीनों तक नए सिलेबस के अनुसार एक साल का कंप्लीट बेच आप लोगों को ऑफलाइन बेच का फीस ऑनलाइन बेच का फीस आपको एड्रेस यहाँ पर सब लिखा हुआ है दो दिन का डेमो फ्री साथ ही साथ में आप लोगों को बता दूं एक फरवरी से बेच स्टार्ट हो चुका है तीसरा दिन था अगर आप लोगों को केवल एमपी के ही पढ़ना है केवल एमपी के तो यूनिट टेन केवल यूनिट पढ़ना है तो वो भी अलग से है और आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो यूनिट टू यूनिट फोर सभी पढ़ना है जिस एमपी जी के है उसका भी कोर्स अलग से है तो आप सभी लोग सत्याधि शर्मा क्लासेस का मोबाइल एप्लीकेशन जरूर विजिट करें ठीक है ना इसी के साथ में थैंक यू सो मच आप लोगों को शुभकामनाएं आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे ऐसा पूरा पूरा उम्मीद है ठीक है तो मिले आप लोगों को अगले लेक्चर में पर याद रखिएगा एप्लीकेशन वाले विद्यार्थी ध्यान रहे आप लोगों को रोजाना एक वीडियो मिलेगा जो आपके यूनिट टेन का होगा बाकी बची हुई यूनिट का पर्यटन से लाइव चल रहा है एप्लीकेशन पर यूनिट नंबर फाइव एमपी की पॉलिटी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो लेक्चर चल रहा है ग्यारह से बारह लाइव एप्लीकेशन पर मैं फिर बता रहा हूँ एमपी की कितनी क्लास चल रही है एमपी की यूनिट टू चल रही है सुबह दस से ग्यारह लाइव एम की यूनिट फाइव चल रही है सुबह से लाइव। की 10 चल रही है बजे एप्लीकेशन एप्लीकेशन पर ये वीडियो का ही है, अभी आप यूट्यूब पर देख रहे थे कल आपको आठ बजे एप्लीकेशन आपके यूट्यूब चैनल पर एमपीपीएससी वाले भी और ऑफिशियल इन दोनों पर आपको क्लास मिलेगी एमसीक्यू फॉर्म में अब मध्य प्रदेश के यूनिट टेन में अगला जो बिंदु उठाऊंगा वो रहेगा मध्य प्रदेश की या तो योजनाएं जनजातियों की या जनजातियों का भौगोलिक विभाजन या जनजातियों की कला कुछ भी हमें पढ़ना है कुछ भी रहेगा ठीक है तो अगले लेक्चर मिलते हैं आप सभी को नमस्कार जय हिंद जय जै भारत